Jawab. Mera naam Chandaram Ramchandra Jawab. Main Virar West mein rehta hu. Main Kash Economic Marketing Private Limited ki taraf se yahan aaya hu. Hamare Kash Economic Marketing Private Limited ke kutumb pramukh Mananiya Shri Kishore Kakri sahab, unhone sankalp kiya aur woh sankalp hai ki anath ashram जहाँ पे हमारे माता पिता जी जो बच्चे लोग उनको हेल्प करने के लिए एक जो उन्होंने संकल्प ना किया और वो संकल्प ने के वजह से हम लोग बहुत सारे आश्रम में इधर उधर घूम रहे थे तो वैसे ही हमारे लोकंडे सर उनको ये मालूम पड़ा और उन्होंने हमको कांटेक्ट किया एक्चुअली हम लोग अभी जा रहे थे हमारे ऑफिस में बोरीवली में पर आज ऑफिस बंद है इसके लिए और ये आपका इधर आने के लिए आज हमारे नसीब में लिखा था इसके लिए शायद उधर ऑफिस बंद है इसके लिए हम लोग ऐसा डायरेक्टली यू टर्न लिया और सर का उसने भी कॉल आ गया और हम लोग इधर आए मैं फर्स्ट टाइम इधर ये अपना कोई आश्रम में जाके देख रहा हूँ पहले हम लोग एक वसई में एक आश्रम में गए थे कल परसों और इधर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सीरियसली जो सर काम कर रहे हैं उनके काम के लिए बहुत बड़ा सैल्यूट है और ऐसा काम करना एक मैं बोलता हूँ कि उन्होंने अभी उनका जो परिचय दिया वो आर्मी रिटायर है और उनका फैमिली बैकग्राउंड उनके 11 भाई लोग हैं वो एक अच्छा सुकून जिंदगी जी सकते थे बट उनकी माता जी का जो सपना था और वो सपना पूरा करने के लिए उन्होंने जो ये आश्रम का इधर जो प्लानिंग किया है और जहाँ से भी बच्चे लोग बूढ़े औरत सब लोग जहाँ पे रोड पे रहते हैं या उनको कोई नहीं रहता है उनको उठा के इधर लेके आते हैं और उनका संभाल करते हैं तो ये अप्रिशिएट काम है क्योंकि ऐसा करना एक इंसान से इंसान से भी बड़ा देवदूत रहता है वही कर सकते हैं और मैं गवाही देता हूँ उधर कि हमारे काक इकोनॉमिक मार्केटिंग प्राइवेट परिवार की तरफ से जो हमारे किशोर काकड़ी सर है उन्होंने जो ये लिखा है कि हम लोग भी अपना काक इकोनॉमिक की तरफ से जो ऐसे अनाथ आश्रम है उनको वन टाइम नहीं एवरी टाइम कुछ हमारी तरफ से हेल्प जो होगा वो करेंगे और आप आज उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इधर अपना काक इकोनॉमिक में ये आश्रम का तो हम लोग हमारी काक परिवार की तरफ से आपको जो भी हेल्प लेगा वो हम लोग देंगे प्लस हम लोग जो विरार के एसयूवी मेंबर्स है जो हमारे सुनील मलिक साहब है संदीप माणिक सर है ये सब हम लोग इधर आए तो हम भी चाहते हैं कि हम एवरी मंथ एटलीस्ट मंथ में एक बार तो इधर विजिट करें रामकृष्ण माय सेल्फ संदीप माणिक काक इकोनॉमिक एक्सप्रेस पार्ट इसे डॉक्टर अक्सर भी होता है और इस तरीके से जो हमने कि आज सेंटर ने जीता है ऐसा एक अद्भुत करिश्मा है लोखंडे साहब ने करके दिखाया है सर ने करके दिखाया है एक बोलना चाहता हूँ हम काक इकोनॉमिक की हमारी जो संकल्पना है वे भी इसी प्रकार के है इसमें दो प्रकार की दो उद्दिष्ट है एक हमारी माई दादागर के माई यहाँ पर मुझे दिख रहे हर एक माई को एक आधार जरूरी है और वो माई को सैक्रीफाइस मतलब जो काक कसर करती है वो काक कसर में से उसको बाहर निकालना काक इकोनॉमिक का एक महाराज कार्ड है महाराज रिचार्ज का वो रिचार्ज कार्ड हमने लगभग नाला सोपरा वसई और विरा इस मोहल्ले में करीबन 40,000 लोगों तक ये महाराज कार्ड दिया है और उसके आधार पर हमने एक आधार कार्ड हमने देखा है लेकिन एक महाराज कार्ड से जो लोगों का आधार हुआ है वो लोग बहुत खुश है वो कभी टेंशन से बाहर निकलने का काम हमारे महाराज कार्ड ने किया हमारे आदरणीय किशोर काकड़े जी सर उनकी माई की जो संकल्पना है खेती की कृपा जो हमारा अन्नदाता है जहाँ से हमारे पास अनाज आता है तो उसको भी हम आधार देने जा रहे हैं सेकेंड स्टेप पे हम लोग हैं उसको बुर्वेद उसको ट्रैक्टर ये सब योजना उनके लिए काकड़े साहब ने लाया है कि वहां से जहां से उगेगा ना वहां से उगेगा तो यहाँ पे आएगा ठीक है तो उसको भी हम आधार दे रहे हैं और हमारी माई को इसने हमको पाल पोस के बड़ा किया है हमारी माई जो हमारी वहां बैठी है
उनके प्रेरणा से पाटिल अपना लोखंडे सर को प्रेरणा आई है और सही वो माइक के माइक के बारे में सही भी उसको प्रणाम करता हूँ, सचिंदा प्रणाम करता हूँ। और हमारी माई एक्चुअली सभी पे हम हर महीने माई का आशीर्वाद लेने आएंगे, बहुत अच्छा लगा माई। और माई की जो ऑफिस है मतलब सर ने बहुत अप्रिशिएट करता है सर को।